स्वामी विवेकानंद बोलते हैं, हम लोगों को आज आवश्यकता है शक्ति संचार की। हम दुर्बल हो गए हैं, तुम लोग अपने स्नायु सशक्त करो। हमें जरूरत है लोहे की समान मांसपेशियों की और वज्र के समान स्नायुओं की। बहुत दिनों तक हम रो चुके, अब और रोने की जरूरत नहीं। अब अपने पैरों पर उठ खड़े हो एवं मनुष्य बनो। दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमें मस्तिष्क सबल बनना होगा। हमारे युवकों को पहले सबल बनना होगा, उसके बाद है धर्म। हे मेरे युवक मित्रों, तुम शक्तिमान बनो, तुम्हारे लिए मेरा यही संदेश है। गीता पाठ की अपेक्षा फुटबॉल खेलने से तुम स्वर्ग के और भी समीप पहुँचोगे।